कदाचार को हटाने बच्चों ने खोला मोर्चा। कन्या शिक्षा परिसर गोंगलाई की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल प्राचार के खिलाफ खोला मोर्चा। गत दिवस उकवा के एकलव छात्रावास का व्यवस्थाओं का मामला ठंडा हुआ ही नहीं कि अब गोंगलाई कन्या छात्रावास परिसर स्कूल के प्राचार के खिलाफ बच्चों के द्वारा मोर्चा खोलकर धरना प्रदर्शन किया गया। बालाघाट जिले के ग्राम गोंगलाई स्थित कन्या शिक्षा परिसर स्कूल के छात्राओं ने अचानक स्कूल प्राचार्य योगेंद्र डोंगरे के खिलाफ मोर्चा खोला और प्राचार्य को हटाने की मांग रखे। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य योगेंद्र डोंगरे का छात्राओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है और बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। वहीं स्कूल प्रबंधक पर बच्चों को कमरे में बंद करने, शौचालय साफ करवाने, भोजन में दूषित खाना व दूषित पानी परोसने का भी आरोप लगाया गया है, जहां दूषित भोजन से कई बच्चे भी बीमार हो गए लेकिन उनका उपचार नहीं किया गया। वहीं जब बच्चों के परिजन उनसे मिलने आते हैं तो परिजनों के साथ भी अभद्र व्यवहार करने की बातें सामने आई है। बच्चों ने बताया कि आज उन्हें परिसर में तालाबंदी करके बंद रख दिया गया था, जिसके बाद बच्चे गेट कूदकर व ताला तोड़कर सड़क पर धरना प्रदर्शन करने उतरे। फिलहाल इस पूरे प्रदर्शन की सूचना प्रशासनिक अमला मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा है। अच्छा, यहाँ पे दवाई यहीं से दे रहे थे कि डॉक्टर को बुलाए थे? मेरा नाम कृपा मरकाम है और मैं बैयर से हूँ और भैया रंदोटोला से हूँ और इस समय हम लोग यहाँ पर इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल दूसरा चाहिए, क्योंकि हम लोग और हमें सुविधाएं हमारी बदलनी चाहिए क्योंकि हम लोग कब से इतने दिन से बार बार आवेदन दे रहे हैं कि हमारा पूरी करो करके फिर भी हमको दे नहीं रहा। इल्ली वाला खाना मिलता है, पूरा पानी में सबको दाने दाने हो रहे हैं और जब घर जाने की छुट्टी मांगते हैं तो छुट्टी भी नहीं देते, दाने मारते हैं और ये सब हम नहीं सह सकते क्योंकि वह और भी बच्चे बहुत सारे लोग बेहोश हो गए। अभी भी पानी बंद कर दिए थे, जब हम लोग आवाज उठाए तो पानी बंद कर दिए, पूरे बेहोश होने लगे और फिर हम लोग स्कूल में गए, फिर स्कूल से पानी ला के पूरी करने हैं क्योंकि ये सब हमें नहीं सह सकते, वाले खाने मिलते हैं, सबको दाने दाने होते हैं, पानी से पानी बेटा तो, है, बेटा, पानी वाला पीना पाड़ी पी, आप लोग आप लोगों का उपचार नहीं होता क्या यहाँ पे? नहीं, 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 साधना मात्र है, मैं कन्या परिसर छात्रावास स्कूल की नायिका हूँ। तो यहाँ पर जो मेस नायिका और मैं छात्रावास नायिका हूँ, तो सर बोलते हैं कि जो भी बात है छात्रावास नायिका को तुम बोलो और हम प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं बोलने के लिए। मैं भी सोची कि सर इतने हम बहुत परेशान हैं लेकिन मैं अभी तक कुछ बोली नहीं किसी को, मतलब बाहर तक मैं सोची कि बाहर तक क्या ली जाए यार, जो भी बात है प्रिंसिपल सर से बोले। मैंने सारा कुछ बोली प्रिंसिपल सर से, पानी के लिए मैंने बहुत शिकायत की सर से, तो सर ने बोले कि सर अनमोल भैया को ही कॉल कर रहे हैं, क्या अनमोल भैया ठीक कर देंगे क्या? और सर उल्टा उनको बोल रहे कि अनमोल मैंने तुमको कई बार देखा हूँ कि तुम है तो वॉल बंद कर देते हो, जाओ अभी वॉल चालू कर। क्या वॉल चालू करने से क्या होगा सर, पानी थोड़ी ना आएगा क्योंकि पानी की समस्या तो पहले से बनी हुई है ना। यहाँ पे आर्ट और कॉमर्स वाले के लिए बिल्कुल भी टीचर नहीं है सर, उनकी क्लास भी नहीं लग रही है और स्कूल के जो टीचर है उनको आठ सब्जेक्ट दे दिया गया है पढ़ाने के लिए, क्या एक टीचर आठ सब्जेक्ट पढ़ा सकता है सर? और उन लोग को एक तो स्कूल का रिजल्ट बनाने के लिए उन्हीं को बोल रहे हैं, उन्हीं से सामान वगैरह बंटवा रहे हैं, वो पढ़ाएंगे या फिर स्कूल में सामान बांटेंगे, वो क्या करेंगे सर? अभी ये बताइए, आपने अभी रैली निकाले हैं, अभी फिलहाल क्या समस्या जारी, किस तरह की समस्या हो रही है सर? फिलहाल समस्या है कि हमारे पेरेंट्स को मिलने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जा रहा है, जो भी है गेट के बाहर मिलो, क्या हम गेट से अपने पेरेंट्स के पैर कैसे छुएंगे सर? उनको भी थोड़ा वो रहता है ना, पानी की समस्या है सर। और है तो अधीक्षिका नहीं है, दोनों हॉस्टल में अधीक्षिका नहीं है, स्कूल में प्यून नहीं है, यहाँ पे हमारे पीरियड के टाइम का मतलब है तो बेल बजाने के लिए कोई भी प्यून, टीचर बेल बजा रहे हैं, स्टूडेंट बेल बजा रहे हैं सर, प्यून तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ के प्यून को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है कि बच्चों से कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए किसे। ये बताइए, आप लोगों ने तमाम समस्या बताया, आप लोग हॉस्टल में रह रहे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको फीलिंग होती है सर? जेल टाइप का फीलिंग होती है। खाने की क्या व्यवस्था? ग्राउंड की व्यवस्था कराएंगे तो ग्राउंड में खेलने के लिए कोई गेम्स भी नहीं है सर, यहाँ तक हमारे पास कुछ खेलने के लिए कुछ भी नहीं सर। सर दाल में सर माचिस गिरी हुई पकड़े थे सर हम लोगों ने, दाल में सर दो लोटे पानी डाल दिए। क्या नाम है आपका? अच्छा रक्षा जी, बताइए क्यों स्ट्राइक किया आप लोग स्टूडेंटों ने?
सर हम स्टूडेंट हैं, सर हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर, सर उन्हें तो सर भी बोलने की अब इच्छा नहीं होती है, हमें नहीं होती है। नाम बताओ। वाई के डोंगरे। क्यों, क्या वजह ऐसा जो आप लोग उनको सर तक बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं? सर क्योंकि वो ऐसा करते हैं सर, हमें ना ही ढंग से खाना मिलता है, ना ही हॉस्टल में सफाई होती है, ना ही प्यून है यहाँ पर ढंग के, और सर प्यून भी ऐसे हैं सर अगर हम उन्हें पास कुछ मतलब हमें कुछ खाना कम हो जाता है हम जाते हैं तो सर वो सीधे बोल देते हैं कि तुम्हारे बाप का है क्या? सर हमारे बाप का नहीं तो ऊपर से तो हमारे लिए आ रहा है ना सर, उसके बाद में सर गाली गलौज करते हैं सर। अच्छा, कब से बनी हुई है ऐसी समस्या आप लोगों के साथ? सर बहुत टाइम से। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए, क्यों हटा है? कौन है प्रिंसिपल आपके यहाँ पर? कौन है? बच्ची बच्ची स्टूडेंट ने अचानक स्ट्राइक कर दिया, क्या मामला है, क्या शिकायत है? हम लोग यहाँ पर कन्या शिक्षा परिषद बोंगली परिसर में आए हुए हैं, यहाँ पर बच्चों से ही बात हुई तो प्रसंग मामला जो है ये प्रशासन की लापरवाही का बता रहे हैं बच्चे कि प्रिंसिपल और वृत्ति और प्रशासन के द्वारा हॉस्टल प्रशासन के द्वारा उनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है, तो इसी संबंध में बच्चों से चर्चा की जा रही है और मामले की जानकारी। सर क्या मांग है बच्चों की? बच्चों की मुख्यतः मांग तो कुप्रबंधन जो है शाला और हॉस्टल का उससे संबंधित। सर क्या वजह है? हाल ही में भी एक उपवास के क्षेत्र से रिश्ता का मामला आया था, फिर दूसरे दिन गोंगलाई से मामला है, तो क्या प्रशासन सुविधा का नाकाम साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो हॉस्टल प्रबंधन की वो गलतियाँ बन जा रही है? अब जैसे आपने उपो वाली बात बताई तो उपो वाली जाँच रिपोर्ट अभी बन रही है, आज कल भी वहाँ के अधीक्षक और अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया था प्रथम दृष्टया लापरवाही आने पर, और अगर इस तरह की भी यहाँ कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है और जांच में आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर अभी फिलहाल छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हुई है, नारेबाजी कर रही हैं, तो क्या अभी वैकल्पिक व्यवस्था इनकी? वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, आज ही की जाएगी। बच्चे हॉस्टल जाने से इनकार कर रहे हैं? बच्चे ये कह रहे हैं कि व्यवस्था करवा दीजिए और फिर चले जाएंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था आज ही करवा देंगे। ओके रोल। कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास में आज बच्चियों ने प्रिंसिपल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, उनकी कार्यप्रणाली पर लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्या लगता है आप किस प्रकार की शिकायतें यहाँ हैं और इसका क्या निराकरण किया जाएगा? अभी जितने शिक्षक कन्या शिक्षा परिषद के जो लड़कियाँ हैं उससे हम वार्ता कर रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्या है अभी तक पता चला है कि इनके खाने और नाश्ते में थोड़ा कमी है और साफ सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो अब हम पूरा देख लेते हैं और उसके बाद भी निर्णय लेंगे। नहीं तो प्रिंसिपल के कार्यप्रणाली को भी लेकर सवाल ये निशान लगाया जा रहा है, उनके लिए बिहेवियर भी ठीक नहीं सभी है, तो उसके लिए क्या? हाँ उसके लिए अभी कथन कराएंगे, अभी अगर मान लियो लड़की लोग कथन कराते हैं तो उसके उच्च अधिकारियों को उनका रिपोर्ट भेजा जाएगा। सर अभी तक छात्राओं ने इतनी सारी शिकायतें बताई है, अभी तक आपके संज्ञान में इतनी सारी शिकायतें आ गई है, तो अब क्या रुझान रहेगा आपका? रुझान छात्राओं के प्रति रहेगा क्योंकि इससे हॉस्टल जो बना है और आदिवासी कन्या शिक्षा परिषद है और विशेष मध्य प्रदेश का विशेष संस्था है, और जिनकी समस्या सुना जाएगा और जो कमी है पानी की समस्या है खाने की उसको बदला जाएगा, मेज व्यवस्था बदला जाएगा। सर फिलहाल जिस प्राचार्य की शिकायत छात्राएं बता रही है तो उसको लेकर क्या करेंगे? क्या कार्रवाई? वो कथन लेंगे, कथन लेके कलेक्टर को देंगे, और चूँकि वो प्रथम श्रेणी का प्राचार्य है उसका सक्षम अधिकारी कमिश्नर है, उसको भेजा जाएगा। सर क्या लगता है आपको जिस तरह से शिकायतें सामने आई क्या गंभीर मामला है? गंभीर मामला है कि वो हॉस्टल तरफ को जाते हैं और एक लड़कियों को के हॉस्टल में जाने का प्रतिबंध है, फिर भी प्रचार वहाँ वो लड़कियों का कहना है कि वो मेस रूम में जाता है, तो जो भी प्रतिबंधित है उसके लिए अधिकारी जो भी निर्णय लेंगे हम उनको जगह भेजेंगे। सर एक अंतिम सवाल था, अभी प्रशासन और छात्रों का आमना सामना हुआ है समस्याओं को लेकर, लेकिन एक बिग बात देखने को मिली कि आप लोगों के सामने ही बच्चों को नीचे बिठा दिया जाए जहाँ गंदगी नहीं, काफी नहीं गंदगी नहीं है सर, देखा गया कि गंदगी सामने पूरी छात्रा हमारे हॉस्टल में 500 लड़कियाँ हैं और सब 500 लड़कियाँ बात करने के लिए है, तो पहले आपके सामने में किए थे तो जगह नहीं हो रहा था, मैं बोला खड़े नहीं रहोगे आधा घंटा चर्चा होगी, तो वो फर्श है वो नहीं गंदा नहीं है वो सही जगह। सर शिकायत के बाद आप यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर साफ सफाई को की क्या व्यवस्था आपको देखने को मिली? अब सफाई अब दूसरा जो खाने का है खाने का व्यवस्था बनाएंगे, उनको टेंडर दूसरे के देंगे, पानी की समस्या है तो पानी का व्यवस्था करेंगे क्योंकि 500 लड़कियाँ हैं तो उसके तो पानी चाहिए। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरें पसंद आए तो खबरें शेयर करें।